सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। भाजपा नेता सुरेंद्र पुनिया ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मुगलों के आर्किटेक्चर के बेसमेंट में हमेशा मंदिर ही रहे हैं। ये ट्वीट उस दावे के संदर्भ में किया गया जिसके मुताबिक ताजमहल के बेसमेंट में बंद पड़े 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए दावा किया कि चित्तौड़ के एक मंदिर को मुगलों ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि ये तस्वीर इसी दावे के साथ साल 2020 से ट्विटर और फेसबुक पर वायरल है। तो क्या वाकई में चित्तौड़ में एक मंदिर को मस्जिद बना दिया गया? नहीं, असल में ये एक मंदिर ही है। रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज़ को ये तस्वीर 2011 से इंटरनेट पर मौजूद मिली। सुदीप्त रे ने अपनी कोलकाता से राजस्थान की ट्रिप की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस मंदिर को मस्जिद बना दिया गया। सुदीप्त ने इसके अलावा की बाकी की तस्वीरें चित्तौड़ की ही बताई। इस आधार पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें अलामी पर ऐसे ही ढांचे की एक तस्वीर मिली। वेबसाइट के मुताबिक ये ढांचा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला के रतन सिंह पैलेस में मौजूद है। विकिपीडिया के मुताबिक इस मंदिर का नाम श्रृंगार चौरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट पर ASI का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसके अनुसार ये एक जैन मंदिर है। इसे 1448 में महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष कोला के पुत्र विलाका ने बनाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ अ टूर इन द पंजाब एंड राजपुताना इन 1883-84 में राइटर ने बताया है कि किसी समय में इस मंदिर को अलग नाम से जाना जाता था। गौर करें कि इस इलाके के कई मंदिरों की छत पर गुंबद मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में मध्यकालीन पुरातत्व के एक्सपर्ट MK पुंधीर ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि श्रृंगार चौरी मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया, और अगर ये मुगलों ने बनाया होता तो राजपूत के कब्जा करने के बाद इसे तोड़ दिया जाता। पंडित शोभालाल शास्त्री की किताब चित्तौड़गढ़ में लिखा है कि इस मंदिर को राजा रतन सिंह ने 1277 में बनवाया था, लेकिन साल 1303 में चित्तौड़ की पहली घेराबंदी में इसे तोड़ दिया गया था। बाद में साल 1448 में कोषाध्यक्ष विलाका ने इसे फिर से बनवाया, लेकिन कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इसे मस्जिद में बदल दिया गया था। तो जैसा कि आपने देखा, चित्तौड़ में मौजूद श्रृंगार मंदिर को मस्जिद बनाए जाने का दावा सरासर गलत है। इसे एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी के तहत शेयर किया जा रहा है जिसके मुताबिक भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई।